नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह और आप सब जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। बिहार में प्रचंड गर्मी का दौर चल रहा है। लू लगने से प्रदेश में 12 लोग की जान चली गई है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो रोहतास में 2 सैप जवानों व पटना, औरंगाबाद, भोजपुर, नालंदा, गया व जमुई जिले में दर्जन भर लोगों की लू से मौत हो गई है। मृतकों की पटना नगर निगम पर सुपरवाइजर भी शामिल है, जहां 5 जिलों में चेतावनी इस वक्त को जारी कर दिया गया है। सासाराम सिविल कोर्ट परिसर में तैनात 2 सैप के जवानों की मौत लू की वजह से हो गई है और गेट नंबर 3 पर तैनात सैप जवान गौरी प्रसाद नवादा जिले के रहने वाले थे, वही यमुना प्रसाद यादव आरा के निवासी थे। भीषण गर्मी व लू की चपेट में आकर दोनों की जान चली गई है। वहीं रोहतास की बात करें तो रोहतास के ही करगहर निवासी 72 वर्षीय स्वर्ण व्यवसायी श्रीराम सेठ की बुधवार को लू लगने से मौत हो गई। मृतक के बेटे जितेंद्र सेठ ने बताया कि मेरे पिता बुधवार को BTM ट्रेन से बहन के घर झारखंड के बढ़िया गाँव जा रहे थे। चलती ट्रेन में इटाडी स्टेशन के समीप उनकी तबीयत अचानक जो है खराब हो गई और लोगों ने GRP पुलिस के सहयोग से उन्हें नजदीकी के अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों ने मौत का कारण लू लगना बताया है। अगर ही आरा में बात करें दोस्तों, तो आरा में युवक व बुजुर्ग रास्ते में मृत पड़े मिले, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जो है एकत्रित हो गई। मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है और वही एक महिला व बुजुर्ग ट्रेन में सफर करने के दौरान उनकी भी लू की चपेट में आ गए, जिसके कारण अस्पताल जाने के क्रम में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 28 सेक्टर ए के सुपरवाइजर संतोष कुमार की मौत लू लगने से ही हुई है। वह डाकवांगला चौराहे के पास सफाई कार्य कर रहे थे कि अचानक उन्हें चक्कर खाकर रोड पर गिर पड़े। वहीं मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई है। जमुई में भी ऐसी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेन में एक महिला यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डाम की ओर जा बलिया सियालदह एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला रेलवे यात्री की बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। महिला की पहचान बलिया निवासी रेखा शर्मा के रूप में हुई है। वही तबीयत बिगड़ने की सूचना कंट्रोल को दी गई थी। कंट्रोल ने इसकी सूचना स्थानीय RPF को दी, तो वही RPF ने आनंद फानंद में उक्त महिला को ट्रेन से उतारकर रेफर अस्पताल कर दिया गया, जहां महिला की स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जिस तरह गर्मी से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, कई लोग अपने अपनों को खो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह से अगर गर्मी रही तो आने वाले दिनों में वाकई लोगों को काफी असर हो सकता है, कई लोग अपनों को खो सकते हैं। तो फिलहाल सतर्क रहे, सावधान रहे और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। फिलहाल यह रिपोर्ट यहीं तक थी और अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।